वेलकम बैक एवरीवन। सो एक समर प्रोग्राम आया है, समर रिसर्च प्रोग्राम HRI और NISER में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर में है, और HRI आपको UP इलाहाबाद में। तो आपको गूगल पे जाना है और फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर आने पर आपको होम पर जब जाइएगा तो होम पे जाने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिखेगा समर प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ क्लिक कीजिए, ये एक नए टैब में ओपन होगा। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म और एक रिको लेटर मिलेगा। इन दोनों को फिल करने के बाद इस पोस्टल एड्रेस पे आपको 21 मार्च से पहले पोस्ट उनको मिल जानी चाहिए, ठीक है। उसके पहले आपको पोस्ट कर देना पड़ेगा। ये स्पेशल है MSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। हाँ, BSc और MSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को देखेगा, सिंपल सी है, आपको फिल करना है आप कौन से ईयर में है, मेल है, फीमेल है, एड्रेस, ये सब। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा एक सेपरेट सीट में कि आप मैथ्स के किस फील्ड में रिसर्च के लिए आपका मन है, और ये आपको लिखना पड़ेगा। और कैसे आप उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, आपकी आइडिया क्या है, आप क्या सोचते हैं। फिर रिकॉर्डेटर जो है वो आपको अपने मास्टर में जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर है, उनसे जाके मिलना होगा, जो आपको टीच करते हैं MSc फर्स्ट ईयर में, और उनसे ये सारा फॉर्म फिल कराना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि टीचर का नाम जो आपको टीच करते हैं, ठीक है, वो लोग बताएंगे कि स्टूडेंट का नाम, मतलब आप कि आपकी सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, एवरेज है, वो लोग यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, गुड या वेरी गुड या एवरेज। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज कैसा आपका नॉलेज है, तो ये सब वो लोग टिक मार्क करके आपको दे देंगे आपके टीचर्स। और इन दोनों को मीन्स तीसरा आपका एक रिसर्च फील्ड, आप किस फील्ड में मैथ्स में करना चाहते हो, ऐसा छोटा सा लिखना पड़ेगा। और इन तीन फॉर्म को एक इनवेलप में डालकर आपको इस पोस्टल एड्रेस पे 21 से पहले आपको पोस्ट करना होगा। अब आते हैं NISER जो भुवनेश्वर में है। यहाँ पर आप नीचे राइट साइड में आइएगा तो समर प्रोग्राम फॉर द मैथमेटिक्स, इसका डेट बहुत है, 31 मार्च तक आप लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन भेज सकते हैं। लास्ट डेट 31 मार्च तक है। तो यहाँ पे भी आपको जो समर प्रोजेक्ट है 18 to 13 जून तक है, ठीक है। आपका स्टूडेंट जो है वो मास्टर होना चाहिए, ठीक है, मास्टर फर्स्ट ईयर में होना चाहिए या सेकेंड ईयर। यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म और यहाँ से रिकॉलेटर, इसमें भी वही है, आपको सब फिल करने के बाद लास्ट में लिखना होगा कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो, क्यों, और कैसे आपके आइडिया काम करते हैं, कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या रियल एनालिसिस में, टोपोलॉजी में क्यों करना चाहते हो, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पर भी रिकॉलेटर में आपको अपने मास्टर MSc में जो टीचर आपको टीच करते हैं उनसे जाकर मिलना होगा। उनसे जाकर मिलने के बाद आपको बताना होगा कि ये सब आपको, बस सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर टिक मार करना है कि आपके बारे में उनकी क्या राय है, और वो जितने अच्छा देंगे तो आपको चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन होने की। तो ये तीन इनवेलपमेंट डालने के बाद आपको तीन मींस एक फॉर्म, एक रिसर्च पैराग्राफ आपको लिखना होगा एक सेपरेट सीट पे, और ये रिको लेटर आपको इनवेलपमेंट डालने के बाद इस एड्रेस पे पोस्ट करना होगा। तो ये दो समर प्रोग्राम है मैथमेटिक्स में 2018 का, और भी है। देखिए समर प्रोजेक्ट मास्टर में जो बच्चे हैं उनके लिए है, क्योंकि वो फिर सीखेंगे कि कैसे मैथमेटिक्स को किया जाता है, कि और बड़ी जगह पे जाएंगे तो बड़े बड़े मैथमेटिशियन से मिलना होगा, और इसमें होने की चांसेस है। बनिस्पत आपका जो रिको लेटर हो उसमें अच्छा आपका रैंकिंग दिया जाए, ठीक है, अभी आपके टीचर के ऊपर होगा कि वो कैसे रैंकिंग देते हैं, और आपका जो सेपरेट सीट पर रिसर्च के बारे में लिखेंगे वो अपने टीचर से जाके पूछिए कि किस फील्ड में जाना, और वो कौन सा फील्ड है जिसमें आप अच्छा लिख सकते हैं,
हेल्प लीजिए टीचर्स का, मास्टर के टीचर्स, एमएससी में जो लोग आपको पढ़ाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा, और हो या ना हो ये अलग बात है, क्योंकि काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, आईआईटी के बच्चे भी और ये सब, तो होना या ना होना वो अलग बात है, लेकिन ये फ्री का फॉर्म है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। आप अप्लाई करोगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा, और एचआरआई में होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग अप्लाई भी करते हैं, बट देखिए चांसेस है ना होने का, लेकिन यदि होता है तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि आपको सीखने का मिलेगा, आप जाओगे, फ्री का है समर प्रोग्राम, रहने का हॉस्टल और ये सब मिलेंगे, और ग्रो करने का एक मौका है। ऑल द बेस्ट, एंड बस इतना ही कहना था। और भी है समर प्रोग्राम, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, वीआईटी, आईसर, ये सब में भी समर प्रोग्राम होते हैं, तो आप लोग वो सर्च कीजिएगा गूगल पे। मैं बस दो ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे निकले हुए हैं, आप लोग गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए, ठीक है। जैसे TFIR का तो बीत चुका है एक्चुअली, मैं फैम 28 तक लास्ट डेट था, तो इसी तरह बहुत सारे निकलते हैं, आप लोग फील कर सकते हैं, सीखने को मिलेगा, होना ना होना तो ये बात की बात है, लेकिन आप लोग फील जरूर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।